ये स्टार्टअप मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। हम पिछली बार से 10 गुना बड़ी फैक्ट्री में शिफ्ट हो चुके हैं। इस स्टार्टअप का जितना पैसा था हमने सब कुछ इस वाले लॉन्च के अंदर लगा दिया, और इस वाले लॉन्च के लिए हम पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं। ये हमारा अभी तक का सबसे बड़ा लॉन्च है। ये सारी चीजें एक लॉन्च के लिए एक ऐसा लड़का करने जा रहा है जो आज से कुछ साल पहले पार्किंग लॉट में खड़ा होके अपनी टूटी मोबाइल की स्क्रीन के साथ वीडियो बना रहा था। स्टोरी भाई डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सितंबर 2018 कुछ लड़के जो मिलके टेक वीडियो बना रहे हैं, हमको एक आइडिया आता है कि भाई हम ना तबाही मचाने वाले हैं फ्यूचर में, और हमको ऐसी टी शर्ट बनानी चाहिए जिस पे तबाही लिखा हो ताकि और लोग भी उसको पहन के तबाही मचाएं। वाह क्या आइडिया है। May 23, 2019 तो हमने बना लिया मस्त तबाही टी शर्ट, हमारा स्टार्टअप शुरू हो रहा है, हमको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। बट जब टी शर्ट बन के निकलती है बस दिक्कत बहुत छोटी सी है कि ना हमको टी शर्ट बनाना आता है, ना हमको प्रिंट बनाना आता है, ना हमको क्लोथिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता है, और चौथी बस एक बहुत और छोटी दिक्कत कि हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो ये आइडिया निकला बहुत ही बड़ा पोपड़, बट हमने सोचा पैसा तो हम फ्यूचर में कमा लेंगे क्योंकि हम तबाही मचाने वाले, हम बाकी चीजें सीख लेते हैं। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए मिस्टर ग्लैडवेल जो काफी जाने माने इंसान है, उनका एक रूल है 10,000 घंटे का। टॉप 1% में आने के लिए आपको वर्ल्ड के 10,000 घंटे देने पड़ते हैं। 3 साल तक रोज अगर आप 10 घंटे लगा रहे हो सैटरडे संडे मिला के, तब जाके आप वर्ल्ड में टॉप 1% पे शायद आ पाओ। तो हमने लगाए 3 तो नहीं, हमको 5 लग गए। इसका ऐसे शॉर्टकट आप किसी को हायर कर लो जिसको नेक्स्ट लेवल चीजें आती हो, बट पैसे की भी दिक्कत थी। तो 1 साल लगा के हमने फैब्रिक्स के बारे में सीखा। 20 अगस्त 2021 हम करते हैं अपना पहला लॉन्च। आज वेबसाइट हमने कंप्लीट करी, अभी सारी जिप्स बन रहे, प्रोडक्ट इमेजेस बन रहे, लास्ट दिन पे सारा जो पढ़ाई होती है ना भाई, कर दी क्या लाइव भाई? अब तो होगी भाई लाइव, अब बस देखना है भाई नजारे। कांग्रेचुलेशंस भाई, हमने खूब मेहनत करी है फैब्रिक के एक एक टुकड़े को समझने, कौन सा GSM, कौन सा मिक्स, कौन सा निट काउंट, कौन सा क्या। और हम बनाते हैं 2021 में 60s काउंट मर्सराइज सुपीमा कॉटन की एक प्लेन टी शर्ट, बेसिकली कॉटन वाली टी शर्ट जो मस्त शाइन करती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके साथ साथ हमने एक टेक्सचर्ड PK टी शर्ट बनाई। हमको लगा कि हमने वाह क्या टी शर्ट बनाई, बेस्ट क्वालिटी, 1500 रुपये की वाली। दिक्कत बस ये हुई कि बहुत कम लोगों ने खरीदी। हमने देखो टी शर्ट तो बहुत प्यारी बनाई, ना हमको फोटोशूट करना आता था, ना हमको वेबसाइट बनानी आती थी, ना हमको कस्टमर सपोर्ट, डिलीवरीज, कुछ भी नहीं आता था। एंड एक प्लेन टी शर्ट हमने बनाई 900 रुपए की। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जो मेरे हिसाब से हर स्टार्टअप फाउंडर के दिमाग में आता है, भाई इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, कहीं ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, इतनी मेहनत और इतना पैसा लगाना भी चाहिए कि नहीं। एंड उस टाइम पे एक वाय दिखता है कि आपने किस रीज़न की वजह से स्टार्ट करा। जो लोग पहन के इसको तबाही मचाने वाले, उनके लिए हमको भी तो तबाही मचानी पड़ी, तो इसलिए हमने भी डिसाइड करा कुछ नेक्स्ट लेवल ही करेंगे। तो हमने खरीद ली फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर अपनी लेबर ला के, अपनी मशीन ला के सारे कपड़े हम खुद बनाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अगर आपको प्राइस भी कम रखना है और क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो ये आप मार्केट में जाके किसी और से नहीं बनवा सकते, और ये बात हमको रियलाइज हो गई। और हमको अपने प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल करने के लिए प्राइस को भी कम करना था एंड क्वालिटी को भी इंक्रीज करना था। इस लॉन्च में जो वैरायटी है, जो डिजाइन है, वो 12 times बढ़ चुके हैं, और प्राइसेस भी क्योंकि हम खुद बना रहे हैं तो हम काफी ज्यादा कॉस्ट रिड्यूस कर पाते हैं। फाइनली हमारा सेकेंड ड्रॉप लॉन्च हो चुका है overlaysclothing.com पे। काफी सारे क्लोथ्स है, काफी सारी वैरायटीज है, हमने आप सबके लिए हमारी तरफ से बहुत स्पेशल कपड़े बनाने की कोशिश करी है। देखो फैक्ट्री तो ले ली, बट फैक्ट्री चलाना नहीं आता है। मैं एक बस एक लड़का हूँ जिसको टेक वीडियो बनानी आती है, ना कभी लेबर मैनेज करी है, ना फैक्ट्री में घुसे हैं, पहली बार घुस भी रहा हूँ मैं फैक्ट्री के अंदर। एंड ये सारी चीजें भाई वीडियोस बनाते बनाते करना काफी चैलेंजिंग था। एंड एक क्लोथिंग फैक्ट्री चलाना आसान काम नहीं है।
at a clothing factory. There has been another horrific incident at a garment factory. भिवंडी में कपड़ा डाई करने की कंपनी में भीषण आग लग गई. कुछ तो अब अलग करना पड़ेगा. तो हमने इन्हीं फैब्रिक्स को लेके काफी एक एक्सपेरिमेंटल सा लॉन्च करा, जो हमने काफी कूल से कपड़े तो बनाए, बट वो कूल बस कुछ लोगों के लिए थे. हमारे कपड़े बिक गए थे, बट हम इससे बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थे. क्योंकि हम कपड़े अच्छे बना रहे थे, इसलिए आप लोगों ने भी काफी नेक्स्ट लेवल सपोर्ट दिखाया. हमारे कपड़े बिक गए थे, बट हम इससे बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थे. कपड़े समझने के बाद भाई नेक्स्ट हमारा टारगेट था नेक्स्ट लॉन्च में हमने प्रिंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करी. हाई क्वालिटी डिटेल्ड पफ प्रिंट्स जो काफी ज्यादा कूल दिखते हैं, वो सारे हमने इस लॉन्च में रिलीज करे. एक साल में फैक्ट्री चलाना सीखा, कस्टमर सपोर्ट, ऑपरेशंस, वेबसाइट, एड्स कैसे चलाते हैं, पूरा ए टू जेड जितनी चीजें हो सकती थी हमने सारी प्रिपेयर करने की कोशिश करी. हमने सोचा अब तो भाई हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. तभी हमारे साथ होती है एक दुर्घटना. हमको पता चलता है हमारी कस्टमर्स के साथ धोखा करा जाता है. लॉन्च के हमारे मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए थे, तो हमें नोटिफिकेशन आई एक उसकी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर सपोर्ट ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी, तो हम सब खुद ही हैंडल कर रहे थे. तो एक बंदे का मैसेज आया कि मेरे को कुछ रैंडम मिल गया है ऑर्डर में. वो जब हमने देखा तो हमारी तरफ से ऑर्डर शिप ही नहीं हुआ था, और उसकी इनवॉइस वगैरह भी, उसमें जो डिटेल्स थी ऑर्डर आईडी के अलावा, बाकी सब कुछ सेम था. और हमारे कस्टमर्स ट्रस्ट की वजह से अपने पैसे दे देते हैं, और भाई जो एक्चुअल पैकेजेस होते हैं उसमें फटी टी शर्ट या कभी ईंटें या फिर कभी कुछ भी नहीं निकल रहा होता. जब वो रिपीटेडली काफी बार होने लगा ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हुए कि यार ऐसा कैसे हो रहा है. और ये हमने रियलाइज करा कि भाई कोई तो स्कैम कर रहा है ऐसे हमारे साथ. हमने देखा कि सारे सीओडी ऑर्डर्स है, तो कोई और कुछ और डिलीवर हमारे नाम पे करके उनसे पैसे ले लेता था. ये कुछ कस्टमर्स के साथ जैसे ही होता है, हमको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, सारी चीजें हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं. इस सब की वजह से हमारी डिलीवरीज में डिले आ जाता है, और उसमें हमें अराउंड 20 लाख का नुकसान होगा, मे बी मोर, जिनको हमें रिफंड भी कर दिया था, बट हमने उनको ऑर्डर भी दिया, तो उसका नुकसान होगा. समर 2023 हम करते हैं अपना एक काफी प्यारा समर लॉन्च, नए फैब्रिक्स, नई वेबसाइट, सारी चीजें चेंज कर रहे हैं. इस बार हमने हैकिंग से भी फुल प्रोटेक्शन ले लिए, एंड पूरे लॉन्च को एकदम प्यार से एग्जीक्यूट कराने के बाद, आप लोगों तक कपड़े डिलीवर करने के बाद, हमारे डिजाइनर जब सड़क पे निकलते हैं तो देखते हैं. हमारी नहीं है, ये कॉपी है, कॉपी है हमारी. एक बार पीछे मुड़ना, तुम्हारी कॉपी है. हाँ हाँ, ये डिजाइन और ये हमारी. पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि फ्री स्पिरिट ही है, क्योंकि हमारी फ्री स्पिरिट बस दो, एक कलर में ही मिलती है. तो ग्रीन कलर पे कोई फ्री स्पिरिट थी, हमारी डिजाइन वही थी, उसमें ब्रांडिंग किसी और कंपनी की थी. हमको रील्स में टैग करा जाता है, मेट्रो में सड़क चलते हुए हमको कपड़े दिखते हैं. इस चीज का हमको पर्सनली काफी बुरा लगता है. इन सारे फेक्स पे अभी भी हम करेंटली स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं. इस पूरी जर्नी के अंदर एक चीज कॉन्स्टेंट रही है, वो है आप लोगों का प्यार. हमारे अप्स एंड डाउन्स में आप लोगों ने अपना पूरा विश्वास दिखाया. आप लोगों को दिक्कतें हुई तब भी आप लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे, उन पे विश्वास दिखाया, और आप खरीद के हमारे प्रोडक्ट्स के साथ अपने काफी स्पेशल मोमेंट्स में आप पहन के इंजॉय करते हैं, एंड यही हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेवल चीजें करने की. हम चाहते थे हम उन लोगों के लिए कपड़े बनाएं जो अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहे हैं, और इसी के लिए हमको भी लगा कि भाई हमको भी कुछ नेक्स्ट लेवल करना पड़ता है, और इसीलिए भाई हम भी हर स्टेप पे कुछ नेक्स्ट लेवल करने की कोशिश करते हैं, और इस बार भी सेम है. विंटर कलेक्शन का काम कैसे चल रहा है? ये सब हाल मत करो मेरे से. क्या हो गया? प्लानिंग पूरी है, एग्जीक्यूशन में हम 2 महीना लेट. दो महीना लेट. हमने सबसे पहला डिजाइन वो बनाया था फोर्ब्स वाला. दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने कभी जैकेट बनाई थी. फोर्ब्स पे श्लोक ने जैकेट पहनी थी, उसमें मस्त ऐसे लपटे निकल रही थी. वी डिड राइनस्टोन से काम. इट वाज नाइस, बट इट वॉज नॉट द बेस्ट. तो फिर हमने उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके फिर कॉन्करर बनाई थी. हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया. देयर वाज लाइक जैकेट दो, जैकेट दो. फिर हम जैकेट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 8 तरीके की जैकेट्स हैं. आज हम डिसाइड अगर करते हैं तो 3 महीने बाद पता चलता है कि क्या होने वाला है. वो बन के 3 महीने बाद आएंगे. हमको 6 महीने की प्लानिंग अभी से करके चलनी पड़ती है. वो हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि वीडियो बनना आसान होता है. वीडियो आज हमने डिसाइड करा, शाम तक वीडियो लाइव हो जाती है. कपड़ों में पूरा ही अलग है, हमारे फट जाती है. 1 साल तो समझने में लग गया, ऐसा करना पड़ेगा. तो अभी हम पहले से प्लान करके रख रहे कि आगे दिक्कत ना हो. तो हमें फिगर आउट हुआ कि ये जैकेट लोगों को पसंद आ रही है, एंड वी हैव टू डू दिस जैकेट. सो फॉर दैट जैकेट वो सिर्फ सैम्पल है. क्वांटिटी में हर चीज़ प्रोड्यूस करना टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. परफेक्ट फैब्रिक प्रिक्योर करना, तो सब
प्रोक्योर करने में ऑलमोस्ट हमें 6 महीने लग गए. अभी भी वी आर नॉट डन विद इट, मतलब 6 महीने भी पूरे नहीं हुए बट लग जाएंगे. ये जो है ना छोटी छोटी ये जो आ रही है ना ये नहीं अच्छी लग रही, या तो इसको पूरे प्लेन कर दे. अरे हाँ, मतलब ये आई थिंक हमारे आर्ट में डिटेल्स माइन्यू मैन्यू थे ना, फिर पफ हुआ ना तो ये सारे वो बंद हो गए. अब बताओ कहाँ जा रहे हो? पहले श्लोक कल जा रहा है मुंबई फॉर यूट्यूब फैन फेस्ट. ओके, तो उसके लिए हम जैकेट लेके आए हैं. फिर से रिव्यू लेने वाले हो? हाँ, डर लग रहा है मुझे, बहुत प्यारी है ये. और अभी खोल के देख लो सारे, फिर मैं 10 बार नहीं आऊंगी, हर बार एक जैकेट दिखाने हो, हर बार मैं एक छोटा चेंज. कोई बात नहीं, नहीं होता, तुमको बात नहीं करनी पड़ती ना यार. दिखा दो ना मेरे को. क्या चेंज करने में टाइम लगेगा? कुछ फिक्स हो चुका है, थर्ड पार्टी पे प्रोडक्शन सब जा चुका है, वो लोग इसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं. तो यार तो पहले सैंपल बनाने चाहिए थे ना. अब मेरे को लास्ट मोमेंट में सैंपल दिखाओगे तो मैं कैसे तुमको जज करूंगा? क्या चल रहा है फिर आज? न्यू डिजाइन जैकेट्स का. और किसका डिजाइन है? थैंक यू. तो ये हमने श्लोक के लिए मंगवा लिया है, इसमें हम ऐसे कारीगरी करेंगे. ये कारीगरी फिर आप करवाते नहीं, खुद करते हो? और क्या. जब वैसे कितनी देर लगेगी ये लगाने में पूरा? 1-1.5 घंटा. नाइस. बन गई गाइस फिर? यस. अब आप कहाँ जा रहे हो? श्लोक श्रीवास्तव aka Tech Burner. नहीं अच्छा यार. अरे नहीं अच्छा तो नहीं है. अच्छा मैं बता रहा हूँ नहीं अच्छा. मेरे को भी थोड़ा चीप सा लगा, पूरी चीप लगी. पीछे वाला प्रिंट इज नाइस एंड हाथ का मटेरियल इज चीप, दिस इज नॉट नाइस. अगर उसने एक ही में लगा रहे थे तो फुल जाते ना, नुकीले वाले लगाते ना. ये अंदर भी तो सस्ता लग रहा है यार. ये अंदर का कैसा सस्ता है यार? पता है मुझे, अब मैं बताऊंगी तो फिर तुम कहोगे कि हर बार यही बोलती है. अब मुझे पता है, मेरे को पता है वो रैगजीन खराब है, मुझे पता है वो क्विल्टिंग खराब है, दोनों नहीं हो रही है. मेरे पास एक दिन का टाइम है, मैं एक दिन में तेरे को एक अच्छी जैकेट नहीं बना के दे पाऊंगी. यार नुकीले वाले स्टार्ट ढूंढ लेना यार, क्योंकि वो जब पहन के घूमे ना मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्स भी तो उसी पे आएंगे. और जो मैं खरीद चुकी हूँ उनका क्या? खीरा. जो मैं खरीद चुकी हूँ खीरा. हाँ क्या, कौन से खरीदने? ये वाले. बताओ बताओ तेरे को खीरा पसंद है? टॉप की जैकेट है बट नुकीले चाहिए, नुकीले में मजा आ जाए. मैं क्यों ला के दूँ? तुम लोगों ने फाइनल कर लिया था, अब सब कुछ बात हो चुकी है. इवन ये बताओ ना कि देखो इवन हमने जो वेंडर से बात कर ली कि किस. अरे दैट इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज कि वो पसंद ही नहीं आ रहे लोगों को. अब जब सागा हर बंदा बोल रहा है कि नहीं पसंद आ रहे तो फिर तो चेंज करना. पॉइंट इज अगर नहीं पसंद आ रहे तो फिर आगे बात कैसे पहुंची इतनी? यार ये मेरे को एक चीज पे दो बार काम होता ना वो देख. मेरे को मजे आ रहे हैं. अरे इसको मजे आ रहे हैं यार, मुझे क्या बता रहे, क्या बता रहे हो? हमने भाई काफ़ी सारे चेंजेस करे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, अलग अलग वेरिएशंस बनाने पड़ते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए. वो सारी करने के बाद हमारी फाइनल जैकेट रेडी हो पाई. जो जैकेट हमने इंट्रोड्यूस करी है वो काफी ज्यादा यूनिक है, उनमें काफी मल्टी लेयर्ड टेक्सचर्स है, प्रिंट्स है और काफी पावरफुल एनिमल्स है जो सारे इन एक्शन है. इस बार वाला जो पूरा कलेक्शन है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द होल कॉन्करर वाइब. एंड हमारे कस्टमर्स, हमारे ऑडियंसेस जिनने भी ऑर्डर्स प्लेस करे हैं, दे हैव पोस्टेड ऑल द स्टोरीज टैगिंग अस, लेटिंग अस नो दैट हाउ इवन दे वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दे वांट टू कॉन्कर ऑल देयर फ्लॉज एंड दे वांट टू अचीव द ग्रेटेस्ट दैट दे कैन. एंड आई फील वो एक फीलिंग इस पूरे लॉन्च को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है. तो भाई मुझे पर्सनली एक्साइटमेंट भी है बट डर ज़्यादा लग रहा है. बट भाई रिस्क है तो इश्क है. तो इस लॉन्च के अंदर हमने काफ़ी सारे कस्टमाइज्ड एलिमेंट्स, बहुत ही सुंदर चेन्स, प्रिंट्स जिनके ऊपर टेक्सचर्स हैं, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स एक जैकेट के अंदर एंड काफ़ी सुंदर सुंदर एक्सेसरीज को मिला के एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रॉयल जैकेट्स का एक कलेक्शन क्रिएट करा है. और इन सब पे काफ़ी पावरफुल एनिमल्स के प्रिंट्स, इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स के बराबर की क्वालिटी हम आपको हाफ प्राइस में देने की कोशिश करते हैं. और भाई ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे रिस्की लॉन्च है. Thank you.
आई होप आपको पसंद आएंगे। सारे अवेलेबल हैं overlays.com।